दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में आती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखें कि हालात हार जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। विश्व की चार प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। प्राचीनतम सभ्यताएँ और कौन कौन सी है, तो सुमेरियन की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं उसको, ठीक है, मिस्र की सभ्यता हो गया, हांगो नदी की सभ्यता हो गया, उसके बाद आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को पहले ही पता था कि वैदिक सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, पर जब ब्रिटिश काल में जब खुदाई हुआ तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। इसलिए प्राचीनतम सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता किसको माना गया है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि खोज हो गया, काल हो गया, उद्भव हो गया, विशेषता हो गया, ये विस्तार हो गया, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और बारी बारी से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जितने भी आपका एग्जाम आए ना, रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो, हर तरह से आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आप अच्छे तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। समझते हैं खोज के बारे में। देखिए, खोज यहाँ पर हुआ था कैसे, यहाँ पर एक अंग्रेज हुआ था ब्रिटिश काल में, जब का हुआ था ब्रिटिश काल में, चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज थे, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान का दौरा करने के बाद हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर, इसको बेसिक चीज़ें इनको यहाँ पर मिली, ठीक है। 1826 ईस्वी में इनको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर मिली, जिनसे इनको पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, इनको सिर्फ ये पता चलता। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नरेटिव ऑफ जर्नीस एक पत्रिका इन्होंने निकाला। इस पत्रिका में जो भी चीज़ें यहाँ पर मिली थी उनको इन्होंने क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपना काम समाप्त कर दिया। यहाँ पर इन्होंने इसको सभ्यता को पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं किया था, ठीक है, इसलिए सभ्यता के बारे में उजागर नहीं हुआ था ठीक तरीके से। आगे आते हैं, बटन बंधु हुए, है ना, एक हुआ 1856 में, बंधु हुए तो मतलब कि दो भाई हुए थे, इंजीनियर दो भाई हुए थे, जिसको जेम्स बटन हुए और विलियम बटन, दो भाई हुए थे। जब हुआ क्या था, जब पर कराची से लाहौर में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो वहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, दो इंजीनियर वहाँ पर हुए थे, और दोनों इंजीनियर कौन थे, यही दोनों भाई थे, जेम्स बटन थे और विलियम बटन थे। तो यहाँ पर, यहाँ जब खुदाई कर रहे थे, जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इनको यहाँ पर एक टीला मिला था, और यहाँ पर टीले के माध्यम से उनको ईंटें प्राप्त हुई थी। इन ईंटों को इन्होंने क्या किया था, इन ईंटों को उन्होंने, है ना, ज्यों का त्यों उठा करके ये रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग कर लिया था। उनको ये तो अनुमान था कि यहाँ पर कोई इमारत हुआ करती होगी, ठीक है, पर इनको ये अच्छी तरह से अनुमान नहीं, मतलब शोध नहीं कर पाए ये कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, ठीक है, और ज़्यादा इन्होंने खोज करने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है, ये समाप्त हो गए यहीं पर। आगे चलते हैं हम लोग, एक और हुए अलेक्जेंडर कनिन। पहली बार शोध करने का काम जो है, पहली बार हड़प्पा को शोध करने का काम जो है किसने जारी किया, तो पहली बार किया था 1853 से 1856 ईस्वी, किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये बार बार पाकिस्तान जा करके, है ना, शोध करते रहे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि पहली बार शोध करने वाले कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। अब बेसिक जानकारी पहली बार किसने जारी किया, तो ये चार्ल्स मेसन थे। कौन थे, 1826 में चार्ल्स मेसन थे। बेसिक जानकारी किसने दिया पहले, तो बेसिक जानकारी जो है हड़प्पा सभ्यता का चार्ल्स मेसन ने दिया था, ठीक है। और पहली बार शोध करने का काम किसने किया, तो इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1853 से 1856 में। अब उसके बाद आते हैं, देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट है, सर जॉन मार्शल। इनका पूरा नाम क्या, सर जॉन मार्शल आए, 1921 ईस्वी में जी अब आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहली बार खुदाई करने का काम इन्होंने किया था, मतलब ये आए थे ना, ये पुरातत्व विभाग के खुदाई करता है ना, पुरातत्व विभाग के खुदाई करता कौन है, मतलब हड़प्पा सभ्यता खुदाई किनके नेतृत्व में हुआ था, तो इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दो व्यक्तियों को खुदाई करने के लिए नियुक्त किया था,
एक का नाम था दयाराम सानी था, जिन्होंने हड़प्पा का, हड़प्पा जो जगह है उसका खुदाई किए थे, है ना, खुदाई किए थे। और एक हुआ रखालदास बनर्जी हुए थे, मतलब जो मोहनजोदड़ो का खुदाई किए थे। अगर पूछा जाएगा ठीक है इन सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाईकर्ता कौन थे, तो जॉन मार्शल हुए थे। ठीक है, अगर सिर्फ आपका स्थान पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के खुदाईकर्ता कौन थे, किनके नेतृत्व में हुआ, तो ये दयाराम सानी के नेतृत्व में हुआ। मोहनजोदड़ो किनके नेतृत्व में हुआ खुदाई, ये रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। ये तो खोज के बारे में बहुत से अंग्रेजों ने, बहुत से ब्रिटिश ने ये सब जानकारी दी थी। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है। अब आते हैं हम लोग काल के बारे में। काल के बारे में बहुत ही यहाँ पर विवाद है लोगों में। ठीक है, बहुत ही विवाद है। जॉन मार्शल ने देखिए क्या बताया था, जॉन मार्शल जो यहीं पर, जॉन मार्शल जो खुदाई किए थे, इन्होंने क्या दिया था इसका काल, इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या बताया था इनका, 3250 से लेकर 2750 मतलब कि ईसा पूर्व बताया था। क्योंकि इन्होंने खुदाई किया था, इन्होंने खुदाई किया था, इनको ऐसा अनुमान लगा, है ना, इनका अनुमान लगा कि इस तरह का यहाँ पर जो काल होना चाहिए इसका, 3250 से लेकर के 2750 यहाँ पर ईसा पूर्व के पहले ही इसका निर्माण किया गया था, इस काल को माना गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। एक हुआ था C14 पद्धति, एक आता है C14 एक पद्धति आता है, इसके माध्यम से ये क्या होता है, ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके माध्यम से डी पी अग्रवाल पहले भारतीय हुए जिन्होंने C14 पद्धति का इस्तेमाल करके इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया था, कितना बताया, 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इन्होंने बताया था। ठीक है, सबसे पहली बार किसने बताया था, तो जॉन मार्शल ने बताया था। पहले भारतीय कौन थे जो C14 का उपयोग करके इस काल का निर्धारण किए थे, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो डीपी अग्रवाल थे। ठीक है, इसमें बहुत सारा मतभेद भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नामकरण के बारे में। देखिएगा, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु, देखिएगा सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, इस घाटी को, इस जो ये जो आपका सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्राचीन में ऐसी मान्यता था कि जो जिस नदी के किनारे जो मतलब क्षेत्र पाया जाएगा, उसी के नाम पर इसकी सभ्यता का नाम रख दिया जाएगा। जैसे कि नील नदी की सभ्यता हो गया, हांगो नदी की सभ्यता हो गया, उसी तरह से ये जो क्षेत्र था, हड़प्पा जो क्षेत्र था, मिला हुआ जो क्षेत्र था, ये जो था सिंधु नदी के अगल बगल क्षेत्रों में मिला था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता के नाम पर रखा गया, सिंधु नदी की सभ्यता का रखा गया था। आगे आते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये जो है सिंधु सरस्वती मतलब कि सरस्वती नदियों के क्षेत्र के अगल बगल भी फैला हुआ था, इसलिए कई पुरातत्वविदों ने इनको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है, सिंधु सरस्वती है ना सभ्यता भी कहा है। ठीक है, ये बहुत से कम किताबों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, पर ज़्यादातर देखिएगा, ज़्यादातर कौन सा मिलता है, सिंधु सभ्यता मिलता है। और आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत से पुरातत्वविद हुए जिन्होंने ऐसी मान्यता यहाँ पर भी रही थी कि स्थल के नाम पर, देखिएगा सबसे पहले स्थल कौन सा, अगर कौन सा स्थल मतलब सबसे पहले की खुदाई किया गया है, सबसे पहला खुदाई कौन से स्थल का किया गया है, उस हिसाब से भी यहाँ पर इस सभ्यता का नाम रखने की यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर ऐसी मान्यता मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी किए थे। इसलिए इस सभ्यता को स्थल के हिसाब से पहली बार जो स्थल किया गया था उसके आपसे हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता नदी के हिसाब से, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है भी नदी के हिसाब से भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता स्थल के हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है अलग अलग पुरातत्वविदों द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है उद्भव के बारे में। देखिए, उद्भव के बारे में बहुत से यहाँ भी मतभेद हैं, है ना, विदेशी मत दिए गए हैं, है ना, स्थानीय मत भी दिए गए हैं। विदेशी मत में देखिएगा, बहुत सारे विदेशी जो हुए, विदेशी ने क्या कहा, देखिए मान लीजिए हड़प्पा है, ठीक है, इसके आगे आते हैं तो इराक में एक आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है, उसके बाद आते हैं अफ्रीका में एक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में एक सुमेरियन जाति के लोग रहते हैं। तो विदेशी मत, तो विदेशी लोगों का कहना था कि जो भी हुए, सुमेरियन हो गए, है ना, मार्शल हुए, व्हीलर हो गया, चाइल्ड हो गया, डीडी कोसाम्बी हो गया, इस सब ने कहा कि जो भी यहाँ पर हड़प्पा सभ्य, जो भी हड़प्पा क्षेत्र में जो भी लोग आए हैं, यही सुमेरियन लोग ही आकर के बस गए हैं, इसलिए है ना विदेशी मत के हिसाब से कहा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता इसको कहा जाए। ठीक है, इसको क्या कहा जाए, सुमेरियन सभ्यता कहा जाए। ठीक है, ये था विदेशी मत था। अब स्थानीय मत क्या था, स्थानीय मत में बहुत है, मतलब कि रखालदास बनर्जी हुए, पहले भारतीय थे रखालदास बनर्जी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं,
ये द्रविड़ जाति के लोग हैं। कौन है? द्रविड़ जाति के लोग। किसने कहा था? रखालदास बनर्जी। यही रखालदास बनर्जी जो आपका यहाँ पर मौजदड़ों के खोज किए थे, मौजदड़ों के खुदाई जो किए थे, वही रखालदास बनर्जी द्रविड़ जाति के लोग कहे थे कि जो भी यहाँ पर क्षेत्र, जो भी लोग हैं यहाँ पर, द्रविड़ जाति के लोग हैं। आगे आर्य जाति के लोग। आर्य मतलब कि वैदिक काल में जो भी वैदिक काल के निर्माता कौन, किसे माना जाता है? आर्य लोग को माना जाता है। तो टी एन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने कहा कि जो भी यहाँ पर लोग हैं वो आर्य हैं। तो आर्य ही अब ज़्यादातर ये देखने को भी नहीं मिलता है, ये आपका ज़्यादातर देखने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि मान्यता इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जब आर्य जो है, आर्य जब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आए थे, आए आर्य अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पहले आ गए थे और यहाँ पर जो थी सभ्यता थी, यहाँ पर लोग पक्के मकानों में रहते थे, तो वहाँ पर जा करके मतलब कि वैदिक काल में जा करके झोपड़ी में कैसे रहने लगे, इसलिए इसको ज़्यादातर मान्यता नहीं दिया जाता आर्य को। ठीक है, आर्य वाले को ज़्यादातर मान्यता नहीं दिया जाता। ज़्यादा मान्यता किसको दिया जाता है? स्थानीय मत में द्रविड़ को दिया जाता है। द्रविड़ मतलब रखालदास बनर्जी को दिया जाता है। ठीक है, ये उद्भव के बारे में समझ में आपको आ गया। अब समझते विशेषता के बारे में। देखिए विशेषता क्या है, यहाँ पर किस तरह की विशेषता यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो विशेषता था, देखिए सबसे पहला विशेषता था कि यहाँ जो भी थी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता किसको माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर नगरीय सभ्यता माना जाता है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यहाँ पर इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोला जाता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब मैंने कल बताया था, यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लिखित साक्ष्य भी मिले मतलब कि कुछ चित्र वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता था, पर लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है अब तक, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अभी आगे चलते हैं शांतिप्रिय सभ्यता। ये शांतिप्रिय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे औजार अस्त्र शस्त्र नहीं मिले खुदाई के दौरान, है ना, इसलिए अनुमान नहीं लगा सकता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते थे। ठीक है, इसलिए सभ्यता को शांति सभ्यता भी कहा जाता है। आगे व्यापार प्रधान सभ्यता। यहाँ पर व्यापार ज़्यादातर होता था, मतलब कि आंतरिक देश में भी होता था, देश के अंदर भी होता था, देश के बाहर भी होता था। ठीक है, यहाँ पर सभ्यता मतलब कि ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर व्यापार अधिक ज़्यादा होता था। ठीक है, इसलिए व्यापार प्रधान सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं विस्तृत सभ्यता। इसका जो फैलाव है, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलाव इसका था, इसलिए इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। ये थी विशेषता के बारे में। अब समझते विस्तार। इसका विस्तार जो इसका था, विस्तार इसका टोटल जो है विस्तार, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्र है, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्र में ही फैला हुआ है। और ये जो है ये आपका उत्तर पश्चिम इलाके में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम इलाके में इसका पूरा पूरी तरह से है ना विस्तार इसका हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ देखिएगा, उत्तर में आपका मांडा हो गया। मांडा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। कौन से नदी किनारे पड़ता है? चिनाब नदी किनारे पड़ता है। दक्षिण में आ जाइए तो दाइमाबाद इलाका पड़ता है। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, जो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। आगे आ जाइए आपका, यहाँ पर आ जाइए पूरब में आ जाइए, तो पूरब में आलमगीरपुर हो गया, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश हो गया, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है ये। आगे फिर पश्चिम प्रदेश सुतकांगेडोर हो गया, जो है ना बलूचिस्तान में पड़ता है, ये कहाँ पर? बलूचिस्तान में पड़ता है, और दास नदी किनारे स्थित होता है, स्थित है ये। ठीक है, दास नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से देखिएगा, मांडा से लेकर के, मांडा से दाइमाबाद, दाइमाबाद से आलमगीर से लेकर के यहाँ तक सुतकांगेडोर तक ले इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ से है। अगर पूछा जाएगा, ये देखिएगा पश्चिम है, ये आपका पूरब है, पश्चिम से पूरब कितना किलोमीटर लंबा है इसका? तो 1600 किलोमीटर इसका लंबाई है। अब पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर कितना लंबाई है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसका जो लंबाई है 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब पूछा जाएगा कि कितने देशों में इसका विस्तार सम्मिलित रूप से है? तो तीन देशों में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में है, भारत में है और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में देखिए, स्वतंत्रता से पहले, जब स्वतंत्रता देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पर जितने खुदाई किए गए थे, तो 40 से 50 स्थल ही खुदाई किए गए थे। जो खुदाई स्थल थे कितने थे? 40 से 50 थे। और स्वतंत्रता के बाद जो हुए थे, स्वतंत्रता के बाद जो हुए 1500 स्थल का खुदाई किया गया, 1500 स्थल का खुदाई किया, जिसमें भारत में 900 स्थल आ गए, भारत में 900 स्थल आ गए, और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल हुए थे, और जितने विशेष बच गए सब इसमें पाकिस्तान में आ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान में आ गए थे। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो सब भारत में अगर सबसे ज़्यादा खुदाई जो किया गया था, कौन से क्षेत्र में किया गया था? तो गुजरात वाले इलाके में किया गया था। कौन से इलाके में किया गया था? गुजरात वाले इलाके में किया गया था। तो ये चीज़ें थी बेसिक चीज़ें, जी बातें जो मैंने आपको बता दिया है ना, ये
खोज के बारे में, काल के बारे में, उद्भव के बारे में, नामकरण के बारे में, विशेषता के बारे में, विस्तार के बारे में, कुछ चीज़ें विशेष थी मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और कुछ चीज़ें और बहुत बाकी है इसमें, ठीक है। तो आप बताइएगा किस तरह का आपको ये वीडियो लगा, है ना। आगे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। इससे भी आगे हम लोग इसका पार्ट टू पार्ट थ्री देखेंगे और विस्तारपूर्वक समझेंगे, ठीक है, इसका पतन समझेंगे और जो भी इसका आपका राजनीतिक हो गया, राजनीति किसका किस तरह का था, आर्थिक किस तरह का था, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।